देखिए सबसे पहले बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, जैसा कल हमने समझा था डिट्टो वैसा क्वेश्चन है, कोई इसमें चेंज नहीं है। सर आपने हमें कल बताया था कि अगर आपके पास में टू अगर अलग अलग पार्ट्स हैं और आप ये कहते हो कि सर इनके बीच में जो ये 100 मीटर मोड़ देना, जैसे आपने कल राम और श्याम का एक एग्जाम्पल लिया था कि एक यहाँ पर हमारे पास में राम था और एक हमारे पास में श्याम था, इसके पास में सर 50 रुपीज मोड़ देन थे, तो अगर हम इनका डिफरेंस भी करेंगे तो भी कितना आएगा सर, 50 रुपीज ही आएगा। इसका मतलब कि अगर सर इसमें से क्यू में से अगर पी को माइनस करेंगे तो भी हमारे पास में कितना रहेगा, 100 मीटर रहेगा। लेकिन सर अगर क्यू और पी को प्लस कर देंगे, ध्यान रखना क्यू में से पी माइनस होगा, ऐसा मत कर देना पी में से क्यू, क्यों नहीं होगा सर ये वाला, क्योंकि देखो पी आपका स्मॉलर पार्ट है, पी आपका छोटा भाग है, तो छोटे में से बड़ा थोड़ी माइनस होगा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर होगा, तो इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब अगर क्यू और पी को प्लस कर ले तो सर आपके पास में टोटल आ जाएगा, और टोटल कितना है सर, 500 मीटर है, क्योंकि पी और क्यू तो ये टोटल मिलाकर इतना है ना। अब सर ये इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू। सर फिर आपने ये कहा था कि जिसका भी आरएचएस ग्रेटर हो उसमें से माइनस करेंगे, इसका मतलब कि सर 2 माइनस 1 कर दें यहाँ पर, यस सर, इक्वल के सर इधर लेके जाओ, इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया 500 माइनस 100, तो इधर हो गया। इस तरफ सर पहले आप इक्वेशन नंबर टू लिखनी है हमें, तो यहाँ से सर इक्वेशन नंबर टू पहले लिखो, ये ध्यान रखना है ना, जल्दबाजी में इक्वेशन नंबर वन पहले मत लिख देना, नहीं आंसर चेंज हो जाएगा, फिर माइनस फिर इक्वेशन नंबर वन ये लिखनी है, क्यू माइनस पी। एक एक बातें ध्यान से नोट करना, जल्दबाजी में इधर उधर कर दोगे तो फिर प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाएगा। सर इसको तो कोई चेंज नहीं करना, लेकिन सर यहाँ चेंज होगा, ये माइनस ये यहाँ प्लस, तो ये हो गया सर माइनस का क्यू, ये माइनस ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया सर, प्लस का पी, और ये इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया 400। आगे क्या देगा सर, आप हमारे पास में एक क्यू था और आप वो क्यू हमसे लेके चले गए, तो ये दोनों तो हट गए, ये दोनों तो क्या हो गए, जीरो हो गए। हमारे पास में पी था, आपने एक पी और हमें दे दिया, तो ये हो गया सर 2p, और इधर आ गया 400। अब सर यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई का साइन, ये 2 जब उधर जाएगा तो पी इजिकल टू कितना हो जाएगा सर, 400/2 इजिकल टू कितना आ गया, 200, कितना आ गया सर 200, ये आ जाएगा आंसर। अब पी की वैल्यू कितनी आ गई सर, 200 आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, क्यू की वैल्यू चाहिए। अब जब आपको क्यू की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यही रखेंगे ना, क्योंकि दोनों देखो प्लस कहाँ पे हो रहे हैं सर, इसी जगह प्लस हो रहे हैं, तो देखो क्यू क्यू प्लस पी की कितनी है सर 200 इजिकल टू ये कितना हो गया सर 500। अगर आपको क्यू की पता करनी है तो ये क्यू आपसे की शून्य दिख रही है सर, क्या हुआ, मैंने लीव किया फिर भी आपकी स्क्रीन दिख रही है। सेकंड लिंक ज्वाइन करके देखो, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 300 मीटर, क्योंकि जो 200 है वो किधर चला जाएगा सर, दूसरी तरह, और ये इधर प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और इस तरह इसके आंसर आएगा सर 300 मीटर। देखो यहाँ पर लिखने में ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना, जल्दबाजी में हम क्या करेंगे, हम इसको पी माइनस क्यू कर देंगे, क्यों कर देंगे, हमें तो बस इसको वैसे इसको माइनस करना, लेकिन नहीं, पहले ग्रेटर नंबर आएगा उसके बाद में स्मॉलर नंबर आएगा, इस बात का ध्यान रखना, तो बड़े में से छोटा माइनस करना है, नहीं कि छोटे में से बड़ा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना है, स्मॉलर माइनस ग्रेटर नहीं करना है, क्यू माइनस पी करना है, पी माइनस क्यू नहीं करना है, क्योंकि आपका जो क्यू है वही आपका क्या है सर, ग्रेटर है, इसलिए क्यू माइनस पी होगा और क्यू प्लस पी होगा, और फिर यहाँ पर आपको वन माइनस जो भी 2 माइनस 1 है, और इस तरह धीरे धीरे एक एक स्टेप को आगे बढ़ाते जाना है, और फिर जब यहाँ से पी की वैल्यू पता चल गई तो सर जहाँ प्लस लिखा है दोनों प्लस में, तो पी की जगह पी की वैल्यू रख दी, क्योंकि पता करनी है, तो 200 उधर निकल जाएगा और इस तरह आपका 300 आंसर आ जाएगा। देखो हमने इससे पहले क्या देखा था कि सर अप्रोक्सीमेशन नंबर्स का देखा था, ठीक है, यहाँ आपको क्या होगा कि अप्रोक्सीमेशन पे ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाओं पर सन्निकटन देखेंगे, जैसे अगर हमें कोई नंबर्स प्लस में दी हुई है, इसी तरह कुछ नंबर्स अगर माइनस में दी हुई है, कुछ नंबर अगर मल्टीप्लाई में है और कुछ नंबर डिवाइड में है, तो उस समय हमें उनका अप्रोक्सीमेशन या उनका सन्निकट करना है, और उनका जो आंसर आए उसको अप्रोक्सीमेट या राउंड ऑफ या उसको सन्निकट करके लिखना है। तो जब यहाँ हमने देखा कि सर यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आपको एस्टीमेट सम फाइंड आउट करना है, सम नहीं फाइंड आउट करना है, टोटल आपको एस्टीमेट सम फाइंड आउट करना है, क्या करना है सर, एस्टीमेट सम,
इसका सर अनुमानित योग पता करना है आपको, क्या पता करना है? अनुमानित योग पता करना है किस 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 का सर। एक तो जो हमारे पास में 448 और 546 का, सर 448 तथा 546 का, और सर कहाँ तक फाइंड आउट करना है? सर नियरेस्ट नियरेस्ट टेंस तक, कहाँ तक लिखा हुआ है सर? नियरेस्ट टेंस या दहाई तक इसको क्या करना है सर? फाइंड आउट करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सर हमारे सामने जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्या लिखा हुआ 448, और करना है क्या है, योग या सम करना है, मतलब बीच में साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि योग या सम को क्या कहते हैं? प्लस कहते हैं। और किसके साथ में सर? 546 के साथ में। अब इसमें कहां तक आपको इसको सन्निकट करना था सर? टेंस तक, या आपको कहां तक करना था सर? दहाई तक। तो ये वाला इकाई और ये वाला दहाई है ना, ये होगा ना आपका दहाई, तो सर ये हो गया हमारा दहाई। इसी तरह सर इसमें भी ये दहाई, तो सर आप स्क्रीन पर यहां तक पहले इसको सन्निकट करेंगे, लिख रहा हूं मैं, यहां तक इसको सन्निकट करेंगे। अब सर जब सर सन्निकट आपकी करेंगे, स्क्रीन पर ये जीरो आ जाएगा, लीव करके देख लो या दूसरा लिंक ज्वाइन कर लो, हो जाएगा। ये जीरो होगा, तो सर इसको ये जब जाएगा तो 5 से बड़ा, तो इसको इफेक्ट छोड़ के जाएगा, तो ये 5 और ये 4 प्लस, सर ये भी 5 से मोर देन 5 है, 5 से बड़ा है, तो अपना इफेक्ट इस पे छोड़ के जाएगा, तो ये 5 और ये 5 कितना हो गया सर? ये हो गया सर 450 और 550, इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 1000। कितना आ जाएगा? 1000 इसका आंसर आएगा। प्लस करके देख लेना, 0 से 0, 5 और 5 10, 1 कैरी, 4 और 5 9 और 1 10। तो सर ये हमारा आंसर रहा, क्योंकि सर यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था कि आपको इसको नियरेस्ट 10 तक, इसका एस्टिमेट सम को नियरेस्ट 10 तक करना है, यानी कि दहाई तक इसको क्या करना है सर? सन्निकट करना है, अनुमानित योग करना है। अगर आप, दूसरी बात, अगर आप पहले इन दोनों को प्लस कर देते तो क्या होता? तो सर तो भी कोई चेंज नहीं होता। कैसे? 8 और 6 कितना हो गया सर? 14, 1 रहा कैरी, 4 और 4 8 और 1 कितना सर? 9, 5 और 4 9। अब देखना, अगर आप इसको सन्निकट करोगे ना, अगर आप इसको सन्निकट करोगे तो आपको तो दहाई तक सन्निकट करना है, तो दहाई तक अगर सन्निकट करना है तो 4 का तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो सर ये 990 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ऑप्शन में आपके पास में 1000 आएगा, तो आपको पता है कि सर 94 है, इसलिए किसके पास में जाएगा सर? 1000 के पास में जाएगा, और ये देखिए ये आपके पास में है ना। इसलिए आपको क्या करना है? पहले इसको सन्निकट कर लेना है दोनों नंबर्स को, क्योंकि पहले यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि पहले इसको दहाई तक सन्निकट करना है, फिर यहाँ करना है, क्योंकि इससे कई बार क्या होगा कि आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, वैसे ऑप्शन आएगा नहीं, है ना, दोनों नहीं आएगा, 990 और 1000 दोनों नहीं आएगा, 1000 ही लिखा आएगा उसमें, क्योंकि ये सन्निकट इसी तरह इसको सन्निकट करके देगा वो, क्योंकि आपको पता है कि 994 1000 के पास में होता, कल ही बताया था कि अगर 950 से प्लस कोई हो जाएगा तो किधर चला जाएगा वो? 1000 के पास में चला जाएगा, इसलिए ये क्या होगा सर? 1000 के पास में। बस एक छोटा सा क्वेश्चन था कि निकटतम दहाई तक आपको पता करना है, नियरेस्ट टेंस तक, तो इसको भी नियरेस्ट टेन तक सन्निकट कर लिया, इसको भी नियरेस्ट टेन तक सन्निकट कर लिया, दोनों का फिर प्लस कर लिया, प्लस कर लिया तो आपके पास में आ गया 1000 या 1000 इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद में आपको कुछ और दिखाता हूं मैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ जो लिखा हुआ है, पहले मैं चारों संख्या एक साथ दिखाऊंगा, फिर आपको वो क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। यहाँ लिखा हुआ है कि सर जो एस्टीमेट जो आपके पास में डिफरेंस, इस बार क्या पता करना है सर? डिफरेंस करना है, यानी कि अनुमानित अंतर सर, इस बार अंतर पता करना है किसका, कहाँ तक सर? नियरेस्ट 100 तक, यानी कि सैकड़े तक पता करना है, और किस किस का सर? 4, एक तो इसका और एक इसका, एक सर 6432, 4365। अब आप एक बात बताओ कि अगर आपको माइनस करना है या डिफरेंस करना है तो क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे, मतलब 6432 में से किसको माइनस करेंगे सर? 4365 को माइनस करेंगे। अब करना कहाँ तक है सर? नियरेस्ट 100 तक, सर सैकड़े तक करना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा सर, ये रहा आपका सैकड़ा, वंस टेन से 100, ये रहा सर 100। तो यहां तक को तो क्या करेंगे सर? हम सन्निकट करेंगे, तो ये पहले जीरो हुआ, क्या इस पे कोई इफेक्ट? नहीं सर, ये जब जीरो हुआ तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं सर, क्योंकि लेस देन फाइव है, पांच से बड़ा है, आती। माइनस हेलो सर, सर। हाँ
बोलो। ये सेवन आपकी आवाज नहीं आ रही। अब हुआ क्या सर? ये जीरो है, ये जब सेवन यहां पर जीरो होगा तो सर ये भी मोर देन फाइव है, तो इसका भी इफेक्ट कहां पर रहेगा? इस पर रहेगा, तो ये फोर और ये फोर। अब इन दोनों को माइनस कर ले, तो सर इसमें से फोर फोर जीरो जीरो माइनस करना है, तो जीरो जीरो और जीरो, और ये कितना आ गया सर? 2000। तो आंसर कितना आ गया? 2000। अगर हम इन दोनों को इस तरह माइनस करते तो क्या हमारे पास में सीन रहता, वो भी देख लीजिए। सर 12 माइनस 5 करना, सबसे पहले आपको पता है कि ये 12 बन गया, तो सर 12 माइनस 5 तो कितना आ गया? 7। सर यार 2 में से तो होगा नहीं, ये 3, 12 माइनस 6 तो 6, 3 माइनस 3 तो 0, और 6 माइनस 2 तो ये। अब आप एक बात बताओ सर, ये 67 है तो या तो ये किसके पास में जाएगा? 2100 के पास में, लेकिन अगर 2100 वो फिर ऑप्शन में नहीं देगा, वो क्या देगा सर? फिर आपको 2000 देगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते है ना, इसमें से एक ऑप्शन देगा। तो आपको अगर 2000 दिखाई दे तो 2000 रखना है, दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देगा, या तो वो 2100 दिखाई देगा या 2000 दिखाई देगा। तो अगर 2100 हो तब तो 2100 के पास में ले जाएंगे, लेकिन आपको पहले क्या कर लेना है, पहले इसको एस्टिमेट कर लेना है यहाँ तक। अब मान लो आप ये वाला कर रहे हो और आपके पास में 2000 आंसर आ गया और ऑप्शन में 2100, तब क्या करोगे? तब सिंपल सी बात ऐसा है कि 2000 ज्यादा नजदीक किसके सर? 2100 के, क्योंकि मान लो कि आपके पास में ऑप्शन इस तरह लिखे हुए हैं, 2100, 2200, 2400 और 2500, और आपने आंसर कितना निकाला सर? 2000। तो पता है कि ये तो ज्यादा नजदीक किसके? इसके है ना, तो इस तरह ऑप्शंस भी वहां देख लेना है, ठीक है? तो सर ये हमारा रहेगा आंसर, कितना आएगा सर? 2000 आएगा, क्योंकि पहले हमने क्या किया, इसको 100 तक एस्टिमेट किया, 100 तक एस्टिमेट किया तो ये 6400 तो ये बन गया, और इसको भी 100 या सैकड़ा तक किया तो ये 4400 बन गया, और ये हमारे पास में कितना आ गया सर? 2000 हमारे पास में यहाँ से आंसर आ गया। अब यहीं पर अगर हमें इसी डिफरेंस के साथ में अगर प्रोडक्ट करना हो, इसी डिफरेंस की जगह अगर हमें इस बार आपको प्रोडक्ट करना है, क्या करना है सर? गुणनफल करना है, नियरेस्ट कहाँ तक सर? 10 तक या 25 तक। तो सर प्रोडक्ट या गुणनफल किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है सर, प्रोडक्ट या गुणनफल उसको कहते हैं जहां बीच में लिखा होता है मल्टीप्लाई, जहां पर साइन किसका होगा सर? मल्टीप्लाई का। एक तरफ कितना नंबर है सर? 89। एक तरफ तो कितना लिखा हुआ है? 89। और एक तरफ कितना लिखा हुआ है सर? 54 लिखा हुआ है। और सर नियरेस्ट 10 तक पूछा आपको, कहाँ तक पूछा है? नियरेस्ट 10 तक या 25 तक पूछा है। तो सर ये रहा आपका नियरेस्ट 10, इसमें ये रहा सर, ये जब आपका जीरो होगा तो मोर देन फाइव है, 5 से बड़ा, तो इसको एक बढ़ा देगा, कितना हो गया? 90। मल्टीप्लाई सर ये कितना? जीरो, ये 5 से छोटा है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, 50। सर 95 जो होता है 45, एक जीरो इसके पास, एक जीरो इसके पास, तो कितना हो गया सर? 45। 0 0 हमारा क्या आ गया सर? आंसर आ गया, और हमारा आंसर कितना आ गया सर? 45 00। कैसे किया सर? पहले नीरेज 10 तक, सर इसको सबसे पहले नियरेस्ट 10 तक आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था, 25 तक आपको गुणनफल पता करना था। तो एक तो था सर 89, एक था 54। इसको 10 10 या 25 आपका ये वाला है, इसमें भी 25 ये वाला है। तो सर ये जब जीरो होगा तो मोर देन 5, 5 से बड़ा, तो इस पे इफेक्ट छोड़ देगा, तो 90 हो जाएगा। ये 8 की जगह कितना आ जाएगा? 9, और ये रह गया 0। सर जब ये पता चला कि ये 5 और ये 4 है, तो जब 4 चला गया, 4 0 बन गया, तो 4 तो 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, 50। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 5 जे कितना हो गया? 45। 1 0 इसका और 1 0 इसका, तो 00। तो ये हो गया सर 4 5 0 0, इस तरह इसका आंसर रहा। अब इसी तरह अगर आपको डिवाइड फाइंड आउट करना हो, क्वेश्चन जिसे क्या कहते हैं, भागफल, अगर आपको भागफल फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे? देखो सिंपल सा मेथड है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ सर? 4532 डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है सर? 49। इस बार आपको ना कोई नियरेस्ट टेंस लिखा हुआ, ना आपके पास में कोई 100 लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो हम सीधा सीधा देखेंगे कि नजदीक किसके होता ज्यादा। तो हमने क्या देखा कि सर जो 49 है वो तो हो जाएगा 50, क्योंकि हमें तो राउंड ऑफ जीरो में लेके जाना है ना, तो थोड़ा इजी रहेगा, 50 ले जाए। सर 4532 है तो सर इसको 4500 कर लो, क्योंकि ये तो 32 है। देखो या तो ये 4500 के बीच में या 4600 के बीच में, तो पता चला सर ये तो लेस देन 50 है, अभी 50 से छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता।
अगर ये मोर देन 50 होता तब यहाँ पे होता, तो मतलब पीछे चले जाएंगे, तो सर इसको 4500 कर देंगे। अब पता चला कि सर केवल क्या करना है, 50 का डिवाइड ही तो करना है, 50 बन जा 50, और सर 50 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आएगा, 450 आएगा। 9 से किया तो कितना आया, 450 माइनस ये 0, ये 0 यहाँ लाए, ये लो सर ऊपर से लाए, डिवाइड ब्रेक हो गया, पेनल्टी के तौर पर 90 लिख दिया, तो आंसर कितना आ गया सर हमारा, 90 आ गया। दोबारा देखो, अगर मैं 4532 को अगर राउंड ऑफ करना चाहूँ, तो या तो ये 4500 या ये 4600, आपने कहा सर ये लेस देन 50, 50 से छोटा है तो ये इधर आ जाएगा, और 49 किसके पास में ज्यादा है सर, ये हमारे पास हमारा 50 के पास में एकदम नजदीक है 50 के, तो इसको बना दिया 50 और इसको बना दिया 4500, दोनों को कर लिया सर हमने छोटा सा डिवाइड कर लिया, और डिवाइड किया तो सर हमारा आंसर कितना आ गया, 100। अब देखो यहाँ पर ये आंसर 100 क्यों आया, इसको देखो 4500 5000 लिया, अब यहाँ तो हमारे पास में कितना है सर, 90, 90 है ना। अब ऑप्शन में मान लो 90 नहीं हो, तो ऑप्शन में अगर आपके पास में 100 दिया हो तो आपको पता चलेगा कि सर 90 आपका किसके पास में है, 100 के पास में है ना। इसको क्या कर लिया हमने, इसको 5000 कर लिया, इसको 50 कर लिया। वैसे 90 देखो ऑप्शन में हो सकता है, अगर दोनों होगा, नहीं सर दोनों नहीं होगा कभी भी, 90 और 100 दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो आपके पास में 90 होगा या आपके पास में 100 होगा। वैसे क्या होता है कि इसको राउंड ऑफ करना होता है हमें, है ना, तो 90 तो आपका राउंड ऑफ हुआ नहीं, क्योंकि राउंड ऑफ तो कब होगा, जीरो में, तो पता चला कि सर 90 किसके पास में जाएगा, 100। पूरी बातें ध्यान से सुनो, पूरी बातें, हर एक बात पहले पूरी ध्यान से सुनो, बाद में क्वेश्चन करना। आप क्या करते हो, मैं बोलता जाता हूँ, आप अपने क्वेश्चन बोलते जाते हो, तो फिर दोनों बातें नहीं समझ में आती, पहले मेरी सारी बातें सुना करो। मुझे पता है कि आप कौन कौन से क्वेश्चन पूछने वाले हो, क्योंकि बार बार आपसे क्वेश्चन लेता हूँ तो मुझे आइडिया लग जाता है कि इस बच्चे के साथ में ये वाला क्वेश्चन उठेगा, तो मैं आप हो सकता है कि मैं पहले ही आपको वो क्वेश्चन सोल्व कर दूं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिया करो मेरी बात, पूरी पहले पूरी बातें सुना करो, जब मैं कह दूं ना कि अब ये सोल्व हो गया अब पूछो, उस समय अपना डाउट पूछा करो, पहले वहां तक सिर्फ सर सुना करो मेरा अच्छे बोला से। था अभी देखो हमारे यहाँ पर आंसर जब हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आया सर, यहाँ पर आंसर आया सर 90, कितना आया 90। अब हो सकता है कि इसको ऑप्शन 90 भी हो, लेकिन इसको तो सर राउंड ऑफ करना हो, अगर आपको ऑप्शन में 90 नहीं है, ऑप्शन में अगर आपके पास में ए बी सी और डी राउंड ऑफ करके दिया हुआ है, 100, 1000, 200 और 10000, ये दिया हुआ है, तो राउंड ऑफ अगर हम इनको राउंड ऑफ करेंगे तो पता चला कि सर जो 90 है वो 90 मोर देन 50 हो गया, तो सर 90 चला जाएगा हमारा 100 के पास में, 90 किसके पास में चला जाएगा, 100 के पास में, और इस तरह हमारा आंसर कितना हो जाएगा सर, 100 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 90 राउंड ऑफ हो गया कितना बनता है सर, 100 बनता है, इसलिए हमारा कितना रहेगा, 100 रहेगा। इसके बाद में क्या है, हाँ एक ये और क्वेश्चन समझा देता हूँ साथ ही, है ना, फिर हम एक साथ में सब आपको हर एक क्वेश्चन का एक आपके लिए एक और क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आप बनाना, और उसके साथ साथ फिर हम वो डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, फाइंड दी एस्टिमेट वैल्यू, फाइंड दी एस्टिमेट वैल्यू ऑफ इस नंबर के, आपको एस्टिमेट वैल्यू या अनुमानित मान पता करना है, कितना लिखा हुआ है सर, 2.39 मल्टीप्लाई 4.44 मल्टीप्लाई 4.44। अब आप एक बात बताना सर, जो 2.39 है वो आपको किसके नजदीक लग रहा है सर, 2.00 के या 3.00 के? आपने कहा सर ये तो भी 39 है, मतलब अरे रुक जाओ एक मिनट सर, ये अभी 2.39 है, आपकी स्क्रीन अगर ये 2.50 होता सर, अगर आपके पास में 2.39 लिखा हुआ है, अगर ये 2.50 होता ना या 50 से प्लस होता तब तो कहाँ जाता, आगे जाता 3.00 के पास में, लेकिन अगर 50 से लेस देना है तो ये कहाँ जाएगा सर, पीछे की तरफ 2.00, मतलब ये तो कितना बनेगा सर, 2.00 मल्टीप्लाई सर ये भी आपका लेस देन 50 आ गया, तो मतलब ये क्या बन जाएगा 4.00। जैसे अगर आपके पास में 4.44 है तो किस किस के बीच में सर, 4.00 और 5.00, इन दोनों के बीच में, क्योंकि 4 के बाद में पॉइंट है, मतलब पूरा 5 तो बना ही नहीं ना अभी, अभी तो 4 पे ही है, तो सर 44 है लेस देन 50 है तो ये इधर आएगा, तो ये हो गया सर। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो तो सर 2 4 8, क्योंकि इसका तो मतलब कितना है 2 ही तो है ना, ये दोनों तो हट जाएंगे, तो सर या तो 8 लिखो या 8.00 लिखो, दोनों बातें आपके पास में एक ही होगी, दोनों बातें क्या होगी एक ही होगी। कैसे किया दोबारा देख लो,
आपने शायद नंबर लाइन देखी नहीं होगी, या नंबर लाइन नहीं देखी हो तो फिर मैं आपको और बता देता हूँ। जो अपने नंबर लाइन होते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ जैसे 0 है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 है, 3, ये देख। अगर आपके पास में, अगर मैं लिखूँ 2.23456980321356892537 2, अब मैं अगर पूछूं कि यह कहाँ पर लिखोगे आप, तो पता आप क्या कहोगे कि सर ये इन दोनों के बीच में आएगा, ये इन दोनों के बीच। नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है ना सर, ये इतना बड़ा नंबर इसके बीच में कैसे आया? वो देखो, इसलिए आया क्योंकि ये अभी भी क्या बना हुआ है, अभी भी 0 बना हुआ है। क्या ये 1.00 है? नहीं सर। क्या यहाँ पे 1 आएगा तब होगा ना, ये तो भी 0 है। तो सर इतनी बड़ी सारी नंबर इसके बीच में, हाँ जब तक यहाँ पर 1 नहीं होगा, 1.00 नहीं होगा, तब तक ये 1 से स्मॉलर ही है, तब तक ये 1 से छोटा है। इस बात का ध्यान रखना, इधर कितना है बड़ा उसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ ये इसके बीच में स्टैंड करेगा। तो इसका मतलब कि अगर मैंने 2.39 लिखा हुआ है, 2.39 तो किसके बीच में होगा सर? यहाँ होगा, इन दोनों के बीच में। अब अगर ये 2.50 या इससे प्लस होता तब तो किधर चला जाता? 3 के पास में। लेकिन अभी कहाँ जाएगा सर? 2 के पास में। इसी तरह सर ये 4.44 जो लिखा हुआ था वो इन दोनों के बीच में स्टैंड करेगा, लेस देन 50 है, तो ये कहाँ चला जाएगा सर? 4 के पास में चला जाएगा। और इस तरह फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा सर? 8.00 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहेगा इसका क्वेश्चन, और देखता हूँ आगे क्या लिखा हुआ है। चलो यहां तक आपका एस्टिमेट वैल्यू थी। अब पहले में कुछ हुआ कि नहीं? नहीं रहेगा। अब सुनो, देखो इसको हमें एस्टिमेट करना था, या कुछ नहीं लिखा हुआ था कि सर, ना तो हमारे पास में ये लिखा हुआ था कि इसको 10th तक या 100th तक करना था। तो सिंपल सी बात है सर, 338 जो है वो आपका 300 और 400 के बीच में आता है, और लेस देन 50 है तो ये 300 बन जाएगा। और पता चला कि सर ये भी लेस देन 50 50 से छोटा है, तो इसको 600 बना दो। अब ये 423 सर, ये 400 और 500 के बीच में, 400 और 500 लेस देन 50 है, तो ये 400 बना दो। कितना हो गया सर? 4 और 6 1000, और ये कितना हो गया सर? 13। तो 1300 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1300 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 300 600 और 400, 6 और 4 10 और 3 13 और 00, तो 1300 इसका क्या रहेगा सर हमारे पास में आंसर रहेगा, जो एकदम राइट आंसर है सर। इसको जो आपने राउंड ऑफ बोला था वो 100 तक या सैकड़ा तक आपने सन्निकट कराया, मतलब सर इसका सन्निकट कौन सा होगा? ये वाला 100 या सैकड़ा कौन सा हो गया सर? ये वाला। यहाँ तक अगर सर इसको सन्निकट करना है हमें, अगर सर हमें यहाँ तक इसको सन्निकट करना है, तो पहले ये 0 बना, इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं, ये 0 बना सर, ये भी लेस देन 5 है कोई इफेक्ट नहीं, तो ये माइनस माइनस सर, ये 0 बना लेस देन 5 कोई इफेक्ट नहीं, ये 0 बना इसका भी कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो ये सर 0 आ जाएगा। अब जब माइनस करेंगे तो इसमें से सर 2000 माइनस कर दिया, तो 0 0 3 और 6, ये आ गया सर 6300। अब आपको अगर मैं पूछूं कि ज्यादा ही और नजदीक किसके, तो आप कह सकते हो सर ये 6000 भी हो सकता है, ये 6300, इन दोनों में से एक ऑप्शन आपके सामने रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, दोनों ऑप्शन आप, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपको सिखाते समय दोनों साथ में बातें बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ऑप्शन में ये हो, कल को अगर ये ना देके अगर आपको ये दे तो भी आपको ध्यान दे कि हाँ सर ये इसके नजदीक भी हो सकता है। हाँ सर, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ हमें लिखा हुआ है इस बार क्वेश्चन में कि आपको नियरेस्ट 10th तक या निकटतम 10th तक इसको एस्टिमेट करना है, मतलब कि सर यहाँ तक करना है। नियरेस्ट 10th तो ये वाला होगा, नियरेस्ट 10th ये वाला। सर अगर ये 0 बनेगा तो मोर देन 5 है, तो इसको इसको इफेक्ट करके इसको प्लस 1 कर देगा, इसको क्या कर देगा सर? प्लस 1 4 और ये 4 मल्टीप्लाई। सर ये जब 0 बनेगा तो ये भी 5 है, तो इसको बढ़ा देगा, तो ये सर 29 हो गया। अब तो सर 44 और 29 को केवल और केवल क्या करना है? मल्टीप्लाई। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 4 जा 36 और 3 कितना हो गया? 39, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 6 ये रहा, 9 और 8 कितना हो गया सर? 17, 1 रहा कैरी,
एट और थ्री इलेवन, इलेवन और वन कितना हो गया सर 12, तो 1 2 7 6, एक जीरो इसके पास में, एक जीरो इसके पास में, दोनों जीरो लग गए, और ये रहा सर इसका आंसर छोटा सा। सर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हुआ कि इसको एस्टिमेट करना था, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये 8372 किसके ज्यादा नजदीक है, तो सर ये हमारे पास में या तो ये 8300 या 8400 इन दोनों में से किसी के पास में होगा, तो सर ये 72 है तो ये 8400 के ज्यादा निकट होगा, तो इसको तो कितना बना दिया हमने 8400 बना दिया, क्योंकि मोर देन 50 था। इधर सर 1054 था, तो 1054 या तो सर 1000 या कितना होगा 1100, तो सर ये भी मोर देन 50 है, तो ये भी कहाँ जाएगा आगे की तरफ, तो ये कितना बन गया सर डिवाइड बाय कितना हो गया 1100, कितना हो गया 1100। अब पता चला कि 84 है, 8400 और अपॉन 1100, ये आप एक बार के लिए दोनों जीरो हटा दो, कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि लास्ट में अगर 00 ऊपर भी एक ही नंबर हो नीचे भी एक ही नंबर हो और दोनों के लास्ट में 00 हो या जितने भी जीरो हटा सकते हो। अब यहाँ क्या हुआ कि सर 11 का इस 84 में डिवाइड करना है, डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आना ही है, सिंपल सी बात है, क्योंकि 87 कितना हो जाएगा 77, बाद में रह जाएगा 7, पॉइंट लग के 0, तो इसका आंसर किस में आएगा सर पॉइंट में आएगा, इसका आंसर पॉइंट में आएगा 77, तो 6 टाइम करोगे तो 66 आएगा, माइनस कितना हो गया सर 4.0 तो 33, इसका हो जाएगा सर 7.63। और अगर 7.63 को अगर आप लिखना चाहो तो किसकी तरफ लेके जाओगे, 8 की तरफ ही जाएगा, क्योंकि मोर देन 50 है ना, नहीं तो कितना होता 7 और 8 के बीच में आता, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सर 8.00, इसका आंसर आएगा 8.00। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को मैं वापिस समझा रहा हूँ, यहाँ से आगे वापिस समझा रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज होंगे, दोबारा समझो इसको, दोबारा समझो, पहले पहले क्वेश्चन को दोबारा समझो, पहले आप समझ लो, पहले समझ लो, बाद में बाकी बातें करेंगे। कोई इश्यू है क्या, कोई नेटवर्क इश्यू, तो फिर रुक जाओ। 1054 है, तो पता चला कि सर या तो ये 1000 के बीच में होगा या 1100 के बीच में होगा, लेकिन चलो तो नेटवर्क की वजह से आते हैं ना कभी कभी, लीव करके देख लो या इंटरनेट बंद करके चालू कर लो। अब हुआ क्या कि सर आपको पता चला है कि मोर देन 50, 50 से ज्यादा है, तो सर ये 1100 होगा। अब ये 8400 है, डिवाइड किसका हो रहा है 1100। अब ध्यान रखना, अगर अंश में या ऊपर की तरफ भी एक संख्या हो नीचे भी एक संख्या हो और दोनों के पास में जितने जीरो हो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना हो गया सर 11/84 बन गया, ये तो 11/84 बन गया। 11 7 जा सर 77, माइनस किया तो कितना बना 7, पॉइंट लिखा 0, 11 6 जा कितना हो गया सर 66, माइनस किया कितना बचा सर 4, पॉइंट से लगा 0, 11 3 जा कितना हो गया सर 33, और माइनस ये 7 सर, ये तो अभी भी आगे चल रहा है, कोई बात नहीं, तो आपको आगे क्यों जाना, आप 2 डिजिट्स तक फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। आपको पता चला कि ये सर 7.63 है, तो मतलब कि या तो ये 7.00 के बीच में होगा या ये 8.00 के, लेकिन सर ये यहाँ पर 6 आ गया, अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर 5 होगा तो 50, यहाँ पर अगर सर 49 तक होगा ना तब तो ये पीछे जाएगा, लेकिन अगर 50 या मोर देन 50 हो जाएगा तो इसको फिर आगे की तरफ लेके जाएंगे, तो इसका आंसर कितना होगा सर 8.00, यानी जिसे हम कह सकते हैं कि सर 8.00, या इसका एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी होगी सर 8, एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी होगी 8 या 8.00 होगा। यहां देखना हुआ क्या, छोटा सा क्वेश्चन था कि सर ये जो 3.68 है, और आपने कहा था कि सर ये जो पहली डिजिट पॉइंट के बाद में जो पहला आपके पास में 10th, जिसे सर 10वां कहते हैं, ध्यान से समझ लेना सभी स्टूडेंट, सर अगर ये वाला जो नंबर है अगर ये 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या मोर देन 5 हो, तो वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। नेक्स्ट का मतलब कि यहाँ पर 3 है तो ये किसके पास में चला जाएगा, ये सर 4.00 के पास में चला जाएगा। या हमने देखा कि सर यहाँ पे 4 है, मतलब ये तो सर अभी पीछे ही रहेगा, मतलब कि ये 2.00 बनेगा, क्योंकि 5 नहीं है ना। अब जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया सर 8, कितना आया 8, क्योंकि 0.00 का मतलब तो क्या होता है कि सर हम इन पॉइंट को हटा सकते हैं, इन पॉइंट को हटा भी तो सकते हैं ना, तो ये कितना हो गया सर हमारा आंसर 8, या तो 8 या 8.00, दोनों में से कोई सा भी एक आंसर हो सकता है, क्योंकि 8 को आप 8.00 भी लिख सकते हो, दोनों ऐसे नहीं हो सकता, दोनों दोनों कभी।
दोनों, तो भी कोई बात नहीं, वही रहेगी। जीरो के बाद में तो चाहे जितने जीरो लगाओ कोई इश्यू नहीं है, आंसर तो 8 ही रहना ना। उसको आप बोलोगे तो 8 ही बोलोगे। अगर मैं कहूँ ये कितने रुपए हैं, आपको क्यों सर 8, ये कितने रुपए हैं 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 ये भी 8, सब 8 ही तो है, सब बात एक ही है। तो जब बात एक है तो फिर हमें क्या फिट रहना चाहिए, ये लिखो चाहे ये लिखो। हाँ, लेकिन ये लिखा आ जाए डेसिमल, 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल, यानी दशमलव के बाद में 2 स्थान, तो फिर ये वाला होगा, क्योंकि फिर तो हमें केवल दशमलव के बाद में 2 स्थान चाहिए, नहीं है तो वहां 0 0 लिखो। लेकिन ये नहीं लिखा हो तो फिर कोई सा भी हो सकता है, और ज्यादातर ऑप्शन में 1 देगा, ज्यादातर में ये देता है या 8.0 देता है ऐसे क्वेश्चन में। देखो एक वर्ड लिखा हुआ है वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास में जो वी होता है उसे बोलते हैं विनिकुलम। जैसे ये किसी भी आपके पास में कोई क्वेश्चन लिखा और उसके ऊपर ऐसे बार लिखी हुई है ना, उसे बोलेंगे सर हम विनिकुलम। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 2 + 3 - 2 और उसके ऊपर ये बार लगा दी, तो इसे क्या बोलेंगे, विनिकुलम। यानी कि एक आपके पास में नीचे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन के ऊपर आपके पास में बार लिखी हुई है, तो उसे विनिकुलम कहते हैं। और जिसका नंबर कितना होता है 1, यानी कि सबसे पहले किसको सोल्व करना है सर, विनिकुलम को सबसे पहले सोल्व करना होता है। सबसे पहले किसको सोल्व करना होता है, विनिकुलम, या लिखी हुई जो बार होती है जिसे रेखा बंधनी बोलते हैं हिंदी में, जिसे इंग्लिश में विनिकुलम बोलते हैं। सबसे पहले हमें विनिकुलम के अंदर जो भी लिखा हुआ है उससे सोल्व करना होता है। फिर सेकेंड नंबर किसका आता है सर, बी, बी बोले तो ब्रेकेट, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोष्टक। अब इन ब्रेकेट में भी किसको सबसे पहले लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट में, इस तरह आते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, ये इस तरह ब्रैकेट लिखा जाता है। तो पहले सबसे पहले किसका नंबर आएगा सर, स्मॉल ब्रैकेट का, छोटे कोष्टक का। फिर सर मिडिल ब्रैकेट, मझला कोष्टक का, और उसके बाद में किसका नंबर आएगा सर, बड़े कोष्टक का या बिग ब्रैकेट का नंबर आएगा, है ना। ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं कल आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रखना, सबसे पहले किसका नंबर आएगा सर, विनिकुलम या रेखा बंधनी, उसके बाद में किसका नंबर आएगा बी फोर ब्रेकेट या कोष्ठक, उसमें भी सबसे पहले कौन, स्मॉल, फिर मिडिल या मझला, और उसके बाद में सर बड़ा या बिग ब्रेकेट। चलिए उसके बाद में क्या होगा सर, नंबर 3 जो आपके नंबर आएगा वो आएगा सर ओ, ओ बोले तो ओफ, ओफ का मतलब क्या होता है सर, का, और उसको लिखते किससे है सर, मल्टीप्लाई, एज मल्टीप्लाई। ये देखो ये लिखा हो ना साइन ऑफ द सिंबल, यानी इनके साइन क्या होते हैं, इनके साइन क्या होते हैं सर, मल्टीप्लाई या गुणा होता है। उसके बाद में किसका नंबर आता है डी, डी बोले तो डिवीजन या भाग, फिर एम, एम बोले तो मल्टीप्लीकेशन या गुणा, और 6 पे कौन आता है एडिशन, ए एडिशन योग, और फिर सब्ट्रैक्शन, एस सब्ट्रैक्शन या घटाओ। तो ये हमारे पास में क्या हो गया सर, हमारे पास में इसे बोलते हैं सर वी बोर्ड मास। तो सभी स्टूडेंट एक बार मन मन में इसको 3 4 बार दोहरा लीजिए, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, मन मन में इसको 2 3 बार आप बोल लीजिए, माइक ऑन मत करना और ऐसे बोल लो, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास, मन मन में बोल लीजिए वी बोर्ड मास। अरे माइक ऑन नहीं करना है ना, माइक ऑन नहीं करना है। सबसे पहले किसको नंबर 1 किसका आएगा सर, नंबर 1 जो रहेगा वो सर रेखा बंधनी या विनिकुलम का रहेगा। नंबर 2 पे कौन रहेगा सर, ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन, स्मॉलर या छोटा कोष्ठक। मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना है ना, माइक ऑन मत करना, मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करना, ताकि पता चले कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। उसके बाद में किसका आएगा सर, मझला कोष्टक या मिडिल कोष्टक, उसके बाद में सर बड़ा कोष्टक या बिग ब्रैकेट। नंबर 3 ऑफ, ऑफ यानी का, जिसको किससे लिखेंगे सर, मल्टीप्लाई से लिखेंगे। डी फोर, फोर नंबर डी, डी फोर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। अब मान लो आपके पास में क्वेश्चन है जिसमें आपके पास में केवल ये दिए हुए हैं, एक तो ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और एक उसमें मल्टीप्लाई दिया हुआ है, एक सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले किसको सोल्व करोगे सर, सबसे पहले रेखा बंधनी विनिकुलम को, फिर सर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, और फिर किसको सोल्व करेंगे सर, सब्ट्रैक्शन को, ठीक है। इस तरह आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसमें हम इसी का यूज करेंगे। मैं ये अभी आपके ग्रुप में आपको भेज रहा हूँ, इसको आप ग्रुप में देख लीजिएगा, इसको एक बार वापस याद करके आइएगा कल, वी बोर्ड मास, क्योंकि जिसको वी बोर्ड मास याद होगा उसका कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, जिसको भी बोर्ड मास याद नहीं होगा उसका क्वेश्चन होगा, क्यों, क्योंकि वो प्लस की जगह माइनस कर देगा, माइनस की जगह पहले प्लस कर देगा, और फिर उसका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। साथ में ध्यान रखना, वी बोर्ड मास के साथ में एक और रूल आपको ध्यान रखना है, माइनस प्लस हो तो क्या करना है सर, सब्ट्रैक्शन।
अगर एक नंबर प्लस की एक नंबर माइनस की तो क्या करेंगे, हमेशा सब्ट्रैक्शन करेंगे। दोनों अगर माइनस के होंगे तो किस क्या करेंगे सर, एडिशन करेंगे, जोड़। अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो क्या करेंगे, एडिशन। और आंसर क्या के साइन किसका लगाएंगे सर, जो भी आपका ग्रेटर नंबर होगा या बड़ी संख्या होगी उसका साइन लगाया जाएगा, चाहे माइनस या प्लस। याद करो एक बार हमने ऐसी बातें सीखी थी, ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। कल ये याद करके आना और कल मैं फिर आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाऊंगा कि सिंप्लीफिकेशन के अगर क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर हो सकता है सिंप्लीफिकेशन में रेगुलर नंबर भी हो, डेसिमल भी हो और फ्रैक्शन भी हो, तीनों टाइप की वहां पर नंबर हो सकती है आपके पास में, और तीनों को साथ भी दिया जा सकता है। फिर वहां पर हम क्या करेंगे, रूल हमारा एक ही काम करेगा, वी बोर्ड मास और साथ में प्लस माइनस वाला। और हाँ, जो हमने एक और सीखा था ना, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के क्या बनाते हैं, प्लस। प्लस और प्लस मल्टीप्लाई के क्या बनाते हैं, प्लस। माइनस और प्लस मल्टीप्लाई के क्या बनाते हैं, माइनस। और माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई के क्या बनाते हैं, माइनस। इन सब का यूज करते हुए, थोड़ा इंतजार करो, इन सब का यूज करते हुए कल हम इस बातों को सोल्व करेंगे और सिंप्लीफिकेशन सीखेंगे। और सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन 101% हमारे एग्जाम में आएगा और हमें उस क्वेश्चन को कैसे भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो अब जिनको भी कुछ पूछना हो वो हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट से हम कल फिर मुलाकात करेंगे।